मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा की अनंत कथाओं की श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जहां अचानक गोपनीय बात करने से आगरा के विधायक जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे जगन प्रसाद रावत कमलानगर के निवासी अबाक रह गए। बाबा लखनऊ में ICS भगवान सहाय के यहाँ प्रवास कर रहे थे। मंत्री जी ने सुना कि बाबा वहाँ आए हुए हैं, वो दर्शन के लिए पहुँचे। जैसे ही इनने प्रणाम किया, बाबा ने कहा, कहो भाई किससे मिलकर आ रहे हो, तुम्हारी बात गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री ने मानी नहीं। रावत जी हतप्रभ, सरकार की गोपनीय बातों की महाराज जी को कहां से जानकारी हुई, जबकि बात तीन लोगों के बीच में ही थी। किसी गोपनीय मामले को लेकर रावत जी गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे, अपनी बात रखी थी, तीन लोगों के मध्य में ही वो बात थी। वो बाबा जी के मुखारबंद से सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बाबा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं मानी उन लोगों ने, परसों मान जाएंगे। आप जो प्रस्ताव देकर आए हो, जो बात रख के आए हो, परसों आपकी पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद लिया, चले गए। और सच में तीसरे दिन पंत जी और शास्त्री जी की उनके प्रस्ताव पर स्वीकृति आ गई। जगन प्रसाद रावत बाबा के पक्के भक्तों में से हो गए। लेकिन वो केवल ये जानना चाहते थे कि आपको कैसे पता चला। बाबा के पुनः दर्शन भी किए, एक बार कहा भी कि गुरुदेव आपको ये कैसे पता चलता है, तो उन्होंने कहा ये सब हवाओं में व्याप्त होता है। वैसे ही मुझे लगा, मैंने पूछ लिया और बात को टाल दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।